नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि मिशन 2022 जीतने के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 जनसभाएं कराने का निर्णय लिया गया है। मैं उनकी इस बात पर चर्चा से पहले कुछ सवाल करना चाहता हूं ताकि उनकी 7 जनसभाओं की बात को समझा जा सके। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून रैली से भाजपा को क्या मिला है? नंबर 2, क्या नरेंद्र मोदी की इतनी जनसभाओं से जीत की गारंटी बन जाएगी? और नंबर 3, और उत्तराखंड में 7 चुनावी जनसभाएं कहां कहां कराई जाएगी? इसके साथ ही अगर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री 7 चुनावी जनसभाएं करेंगे तो उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में कितनी करेंगे, यह भी एक सवाल बनता है क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं। मैं यहां पर भाजपा को क्या मिला सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जो 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देकर गए हैं वो तो उत्तराखंड के लोगों को देकर गए, उत्तराखंड की जनता के लिए है, लेकिन चुनाव सिर पर है, यह चुनावी जनसभा थी, इसलिए भाजपा को क्या मिला और क्यों नरेंद्र मोदी की 7 जनसभाओं की जरूरत आन पड़ी है इस छोटे से प्रदेश में। मदन कौशिक साहब ने कहा है कि एक एक रैली कुमाऊं और गढ़वाल में तथा एक एक प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में कराए जाने की प्लानिंग बना ली गई है। 2017 में उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी की 4 चुनावी जनसभाएं हुई थी, इनमें 1 आचार संहिता लगने से पहले और 3 आचार संहिता लगने के बाद। अगर देहरादून की हाल में हुई रैली की बात करें तो इसके लिए 3,00,000 निमंत्रण पत्र बांटे गए। भाजपा का हर कार्यकर्ता फील्ड में उतरा और वो अपने वोट तक पहुंचा। आप सिरे से सिरे को जोड़िए, मैंने जो सवाल किया है कि भाजपा को क्या मिला इस रैली से और इतनी सारी रैलियों की जरूरत क्यों है, क्या आज की मौजूदा प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र मोदी की 7 जनसभाओं की जरूरत सचमुच आन पड़ी है? आज प्रदेश के वोटर के 2 भाव है, 1, महंगाई बहुत बढ़ गई है और रोजगार युवाओं को मिल नहीं रहा है। यानी लोगों का कहना है कि भाजपा महंगाई को थामने में नाकाम रही है। और अगर मैं दूसरे भाव की बात करूं तो वो यह है कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, यानी हिंदू वोट एकजुट होगा तो भाजपा की राह आसान हो जाएगी। हो सकता है नाराजगी जताते हुए, महंगाई को याद करते हुए भी वोटर बीजेपी को वोट कराए, क्योंकि महंगाई की मार एक तरफ, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक तरफ, हो सकता है पलड़ा दूसरी तरफ झुक जाए। यह तभी हो सकता है जब नरेंद्र मोदी की जनसभाओं के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता अपने वोटर से संपर्क बनाकर रखे, उन्हें याद दिलाते रहे नरेंद्र मोदी के बारे में। और इसमें सबसे ज्यादा मददगार कोई है तो वो नरेंद्र मोदी ही है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर वोटर को एकजुट करने के लिए। नरेंद्र मोदी की रैली का असर केवल उस विधानसभा तक नहीं रहता है, आसपास की विधानसभाओं तक भी होता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों के नेता भी एक्टिव होते हैं अपने क्षेत्र से लोगों की भीड़ को जुटाने के लिए, जिस कारण वोटर और भाजपा का संवाद बनता है। इसीलिए कुमाऊं में भी नरेंद्र मोदी की जनसभा की घोषणा कर दी गई है। वहां पर भाजपा को नरेंद्र मोदी की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहां पर आपदा, किसान और यशपाल, 3 फैक्टर भाजपा को परेशान कर सकते हैं। कुमाऊं में बीते दिनों में आई आपदा, किसानों की नाराजगी और यशपाल आर्य का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाना भाजपा को चिंता में डाल सकता है। शायद इसीलिए मदन कौशिक इस बार उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की 7 जनसभाओं की बात कर रहे हैं। वरना आप खुद ही सोचिए, उत्तराखंड में मोदी की 7 रैलियों की जरूरत क्या आन पड़ी है? वैसे भी गौर करें तो नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन में 3 बार तो उत्तराखंड आ ही चुके हैं, ऋषिकेश एम्स, बाबा केदारनाथ धाम और अब देहरादून में जनसभा। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने हरीश रावत पर मंच से कोई हमला नहीं किया है, बस एक ही कविता पढ़ी है। इसका असर यह हुआ कि हरीश रावत, आप हरीश रावत का 5 दिसंबर का उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख ले, हरीश रावत केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की कविता के जवाब में एक कविता भी लिख डाली है। इसी से समझा जा सकता है कि भाजपा को मिशन 2022 में क्यों नरेंद्र मोदी की जरूरत आन पड़ी है। वैसे भी अगर 2017 का हिसाब देखें नरेंद्र मोदी की रैलियों का, तो उन्होंने अपनी जनसभाओं के माध्यम से करीब करीब 40 सीटों को टच कर दिया था, उसके आसपास की सीटों को भी मिला ले तो, और उनमें से ज्यादातर सीटें भाजपा जीत गई थी। इसीलिए मदन कौशिक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में 7 रैलियां होने वाली है।
ये प्रस्तावित है, देखते हैं किस दिशा में वोटर बढ़ता है, किस दिशा में करवट उत्तराखंड की राजनीति लेती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।